बोलो बोलो। बाबा जी बोला है तरह तरह से याद की रफ्तार बढ़ाते रहो। है तरह तरह से याद की रफ्तार बढ़ाते रहो। तरह तरह माने नौधा भक्ति बोला है, धा माने प्रकार। तो जैसे भक्ति में नौ प्रकार की भक्ति होती है, नौधा भक्ति करने वालों को श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ भक्तों को साक्षात्कार होते रहे। सभी भक्तों को साक्षात्कार नहीं होते थे। तो भक्ति मार्ग में होती है भक्ति, नौधा भक्ति होती है तो नौधा याद भी होती है। नौ प्रकार की याद है, क्योंकि समझाने वाले भगवान को, भगवान के ज्ञान को, भगवान की रचना को, भगवान के बनाए हुए स्वर्ग को समझाने वाले कितने प्रकार से समझाते हैं। जो समझाने वाले हैं, जिस कैटेगरी के समझाने वाले हैं, उसी कैटेगरी के स्वर्ग में जाते हैं। वो समझाने वाले मुखिया हैं अपने अपने वर्ग के, इसलिए स्वर्ग में नौ नारायण गाए हुए हैं। आठ सतयुग के नारायण जो आठ धर्मों से कनेक्टेड हैं, जो आस्तिक धर्म हैं, भगवान से कुछ प्राप्ति करने वाले हैं। नंबर बार और नौवा है संगमयुगी नारायण, जिसे नर नारायण कहा जाता है। सब का रचयिता, वो रचयिता बाप एक है, उसको कहा जाता है बापों का बाप। सूर्यवंशियों का भी बाप है, चंद्रवंशियों का भी बाप है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, मुस्लिम आदि सभी का बाप है। और आस्तिक बनाने वाला बाप है, नास्तिक बनाने वाला नहीं है। जो आस्तिक बनते हैं वो भी नंबर वार है। नंबर वार होने के कारण उनके जो मुखिया हैं नौ ग्रुपों के, उनमें नौ धर्म पिताएं टाइम टू टाइम प्रवेश करते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है भगवान बाप, तो जरूर ऊंच से ऊंच में प्रवेश करेगा। उसकी जो डायरेक्ट जनरेशन है वो जरूर ऊंच से ऊंच प्राप्ति करने वाली है। डायरेक्ट बाप के बच्चे सूर्यवंशी हैं, विश्व के बादशाह के बच्चे हैं। ऐसी प्राप्ति और कोई वर्ग नहीं कर पाता। इसलिए समझा जाता है कि उनकी याद की रफ्तार भी पक्की है। दूसरों की याद की रफ्तार में थोड़ा कच्चापन आता है। एक को छोड़ दूसरे को पकड़ते हैं।
सूर्य को छोड़ते हैं तो चंद्रमा को पकड़ते हैं। कोई ऐसे हैं जो चंद्रवंश को छोड़ करके सूर्यवंश को भी छोड़ करके इस्लाम वंशियों को पकड़ लेते हैं। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला तीसरा नारायण है, सतयुग का दूसरा नारायण कहो, उसके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं तो उसकी प्रजा बन जाते हैं। तो जैसी जैसी याद में फर्क पड़ता जाता है वैसी वैसी प्राप्ति होती जाती है। इसलिए कहा जाता है नौधा भक्ति और नौ प्रकार की याद। जो आर्य समाजी हैं वो सब धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। आखिरी उनकी कोई भी धर्म में आस्था नहीं रहती, उनका राज्य ही स्थापन होता है धर्म परेक्ष राज्य है। हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है, सब झूठे हैं। धर्म में ताकत नहीं है। बाप कहते हैं रिलीजन इज माइट, धर्म में ही ताकत है। आज के इस रावण राज्य में कोई ताकत नहीं है, कोई पक्का नियम कानून नहीं है। जो राजा बनकर के कुर्सियों पर बैठते हैं उनकी भी पत्थर मार के नाक तोड़ देते हैं, उनकी बहू बेटियों को भी किडनैप करके उठा ले जाते हैं। कहेंगे राज्य में कोई ताकत नहीं रही, क्योंकि धर्म को नहीं मानने वाले हैं। धर्म अर्थात धारणा, धारणाएं भी नंबर वार होती है। तो नौ प्रकार की भक्ति है तो नौ प्रकार का ज्ञान भी है, और नौ प्रकार का याद है, याद की रफ्तार भी है, नौ प्रकार की प्राप्ति करने वाली भी है। और दुनिया में कहावत है पुरानी दुनिया में अल्लाह पहलवान को गधा पहलवान, इसका याद में क्या यज्ञ के आदि में तीन आत्माएं थी अल्लाह के साथ। अल्लाह अकेला नहीं आता है, अकेला आता है तीन के साथ आता है, तीन के साथ आता है। उनमें अर्थात तीन में से एक है शेर, एक है घोड़ा या गधा कहो, कुछ भी कहो, वजन ढोने वाला, और एक है बकरी। तो जो गधा है माने जिसमें अकल नहीं है, गधा किसे कहा जाता है? जिसमें अकल नहीं होती है। जैसे बच्चा बुद्धि होता है तो बच्चे में कोई अकल नहीं होती है, ऐसे ही भगवान बाप कभी ज्ञान सूर्य में प्रवेश कर रहा था यज्ञ के आदि में, शेर में प्रवेश करता था, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी, शेर की तरह लड़ाई लड़ने वाली थी, मुकाबला करने वाली थी। बाद में कारण या कारण माया से वो आत्मा फेल हो गई, क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं है। ऐसा अहंकार कोई न करे
कि हम कभी माया से हार नहीं खाते। तो कारण या कारण है वो आत्मा के फेल होने के कारण, यज्ञ से चले जाने के कारण। यज्ञ की राजाई किसको मिल गई? गधे को मिल गई। उस गधे में प्रवेश करना पड़ा। किसको? शिव बाप को, जिसे कहते हैं अल्लाह। तो अल्लाह उस पर मेहरबान हुआ तो गधा पहलवान बन गया, और ऐसी पहलवानी दिखाई कि कराची में सड़क का मॉडल तैयार कर लिया, जिसकी यादगार आज भी अजमेर में बनी हुई है। अजमेर में किसका मंदिर प्रसिद्ध है? ब्रह्मा का मंदिर प्रसिद्ध है। वहां मुसलमानों का उर्स लगता है, मेला लगता है। हिंदू भी जाते हैं लेकिन मुसलमानों की मान्यता बहुत है। और वहां भेड़ बकरियों का देश है। भेड़ बकरियों की ये कहावत है कि एक गड्ढे में जावेगी तो सारी भेड़ बकरी गड्ढे में चली जावेगी। ऐसे ही ब्रह्मा के फॉलोअर्स का हाल हुआ। माया बेटी सबको गड्ढे में ले जाती है। जिसे बेटी के लिए मुरली में ही बोल दिया है, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है, कुमार का की। फिर दूसरी मुरली में बोला है, इस दुनिया में जिनकी बहुत खातिरी है वो बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी समझो। तो सब किया धरा बराबर हो जाता है। उनको ब्राह्मणों की दुनिया का गांधी जी कहा, जैसे बाहर की दुनिया का गांधी जी था, कहता था राम राज्य लाएंगे, और क्या आ गया? रावण राज्य आ गया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया का वो गांधी जी था, राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, राम राज्य करते करते सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। कोई की बात की गोली ऐसी लगी कि ठहर नहीं सका। नहीं तो योग बल से हार्ट मजबूत होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। तो दुनिया में जो कहावतें हैं वो सारी कहावतें कहाँ की हैं? संगम युग की कहावतें हैं। जब बुद्धि में बात बैठ जाए कि गीता का भगवान कौन, 63 जन्म, उस आत्मा को बुद्धि में क्या बैठा रहा? शास्त्रों ने क्या कहा गीता का भगवान? तो उस आत्मा को बुद्धि में कितने जन्म पक्का बैठा कि गीता का भगवान कौन? कृष्ण, निराकार या साकार? साकार। और अब अंतिम जन्म में पता चला मैं ही हूं कृष्ण की आत्मा। तो 63 जन्म का जो अहंकार है वो जल्दी टूट जाएगा? टूट जाएगा? नहीं टूटता है। जिस सेकंड ये अहंकार टूट जाएगा कि मैं आत्मा कृष्ण गीता का भगवान नहीं हूं, गीता का भगवान वो है जिसने यज्ञ के आदि में मेरे साक्षात्कार की पहेली को सुलझा दिया था, वही गीता का साकार भगवान है। भगवान को गीता पति कहा जाता है, गीता को माता कहा जाता है। बच्चा माता का पति बन करके बैठे
तो जुल्म हो जाता है। सृष्टि का पहला पत्ता गीता माता का पति बन करके बैठ गया, तो आज भारत के घर घर में, बात छोड़ो दुनिया के घर घर में, जो बच्चे हैं वो ऐसे बिच्छू टिंडन पैदा होते हैं जो माँ को अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं। माँ उनके कंट्रोल में चले, बच्चे माँ के कंट्रोल में नहीं चल सकते, वो माता के भी पति बन करके बैठ जाते हैं। घर घर में ये हालत हो गई है, तो पहला पत्ता सुधरे तो दूसरे पत्ते भी सुधर जाएंगे। एडमिशन दे दें लो दादी। हाँ चढ़ गए तो चढ़ जाओ ना ऊपर। तुमको एडाप्ट करता हूँ विश्व की बादशाही देने के लिए या गधाई देने के लिए है? तो ब्रह्मा के द्वारा क्या हुआ, गधाई मिली राजाई मिली विश्व की बादशाही मिली? वो तो बीच में ही शरीर छोड़ गए। जगदम्बा कौन है? जगदम्बा माता होगी या पुरुष होगा है? और जगत पिता कौन है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा जगत पिता है, तो प्रजापिता जिसको कह दे ये अम्मा है उसी को मानना पड़ेगा। अम्मा पहले कि बच्चे पहले? अम्मा पहले। तो ये जो सब बच्चे हैं वो सब बाद में निकले होंगे, पहले कौन निकली? पहले अम्मा। अम्मा ने पहले अपने को सरेंडर किया और बाद में अम्मा को देख करके दूसरे दूसरे सरेंडर हुए, निश्चय पत्र लिखा तो नहीं पता चला है? बच्ची कर ली, निश्चय पत्र लिख दिया, साइन भी कर दिए, आंखें बंद। और बाबा मुरली में आया है कि अशुद्ध अहंकार अशुद्ध मोह अशुद्ध लोग इस ब्राह्मण बच्चे के अंदर होगा तो उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर ब्राह्मणों के लिए शुद्ध अहंकार शुद्ध अहंकार, मैं आत्मा हूँ परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, ये शुद्ध अहंकार हो गया। अशुद्ध अहंकार है किसी देहदारी की संतान हूँ, मैं ब्रह्मा की संतान हूँ, मैं जगदम्बा की संतान हूँ, मैं लक्ष्मी की संतान हूँ, ये सब क्या है? ये सब अशुद्ध है। ऊंचते ऊंच बाप और ऊंचते ऊंच बाप का मैं बच्चा, मेरा बाप है विश्व का बादशाह तो विश्व के बादशाह का मैं बच्चा, शुद्ध अहंकार या अशुद्ध अहंकार? ज्यादा भक्ति करते हैं वो ज्ञान भी ज्यादा उठाते हैं। बाप ना तो पूज्य बनते हैं ना पुजारी बनते हैं। हाँ तो नॉलेजफुल कैसे? बाप ना पूज्य बनते हैं ना पुजारी बनते हैं, वो कौन से बाप की बात है? आत्माओं के बाप की बात है या मनुष्यों के बाप की बात है? फिर और बाबा काली माँ काली के मंदिर में मांस मदिरा का भोग लगता है। हाँ और गौरी के मंदिर में खीर पूरी का भोग लगता है। बिल्कुल इसमें बेहद में इसका अच्छा। माँ काली जो है
वो विनाश के निमित्त है या स्थापना के निमित्त है या पालना के निमित्त है? है आप लोग भी बोलिए। विनाश के निमित्त है। विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? है इम्प्योरिटी से विनाश होता है, तो इम्प्योरिटी में ये मांस मदरा सब आ जाता है। मांस खाना माना देह अभिमानी बनना। अब वो एक पक्षी का मांस खाओ, एक जानवर का मांस खाओ या अनेकों जानवरों का मांस खाओ, एक मछली का मांस खाओ या बीसियों मछली का मांस खाओ, हुए तो मांसखोर। बकरी का या बकरे का खास भोग महाकाली के मंदिर में लगाया जाता है। क्या जो रावण संप्रदाय है उस रावण संप्रदाय में खास सरगना कौन है? अरे कोई खास सरगना है कि नहीं है? माया, जो माया है वो मैं बहुत करती है। तो ऐसे मायावियों को महाकाली क्या करती है? है घाट पर उतार देती है। और है क्या हुआ? एक अभी सवारी में बोला कि डबल विदेशी हाथ था। हाँ। तो डबल विदेशी कौन है? एक सवारी में डबल विदेशी ब्राह्मणों की भाषा में वो हैं जो बेसिक में आते हैं तो दुनिया वाले उन्हें अपने दिल से निकाल देते हैं, ये हमारे काम के नहीं। तो देसी तो रहे नहीं, विदेशी हो गए। और फिर जब बेसिक ज्ञान में आ जाते हैं जैसे दुनिया वाले निकाल देते हैं, वैसे एडवांस ज्ञान समझने के बाद बेसिक वाले भी उनको दिल से निकाल देते हैं। है हाँ, अव्यक्तवाणी में विदेशियों से पूछा, विदेशी हाथ उठाओ, तो ऐसे जो विदेशी हैं जिनको दुनिया वालों ने भी ठुकराया, किसके पीछे ठुकराया? भगवान के पीछे। और बेसिक वालों ने भी ठुकराया, किसके पीछे ठुकराया? भगवान के पीछे भागे तो उन्होंने भी ठुकराया। तो जिनको दुनिया ठुकराती है, चाहे हद की दुनिया चाहे बेहद की दुनिया, उनको कौन उठाता है? भगवान उठा लेता है। तो उन विदेशी बच्चों से कहा हाथ उठाओ। अब ये हाथ उठाने की बात नहीं है, है बुद्ध रूपी हाथ उठाने की बात। और कर्म शरीर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? शरीर के द्वारा। और जिसका शरीर है उसका आत्मा के उसका शरीर के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए या दूसरे का नियंत्रण होना चाहिए? है जिसका शरीर है उसका नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन दूसरी आत्मा ने उसमें शरीर को कब्जा कर लिया। क्या दूसरी आत्मा ने कब्जा कर लिया? तो पूर्व जन्म के हिसाब किताब के कारण कब्जा कर लिया या ऐसे ही कब्जा कर लिया? है पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है जिसको चुकतू करने के लिए कब्जा किया है? और वो हिसाब किताब यही है कि जो आत्माएं ज्यादा पाप करती हैं
और पाप का बोझा उनका बहुत बढ़ जाता है, लिमिट से पार हो जाता है, तो वो ज्यादा पाप न कर सके इसलिए उनकी अकाले मौत होती है। अकाले मौत होती है तो सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो शरीरधारी आत्माओं में प्रवेश करती है और जो शरीरधारी आत्मा है उसका हिसाब किताब बनता है। प्रवेश करने वाले का हिसाब किताब नहीं बनता है, जैसे प्रजापिता है या शंकर है और उसमें चंद्रमा प्रवेश करता है तो चंद्रमा प्रवेश करके जो भी गलती करेगा वो गलती के लिए जिम्मेवार कौन होगा? चंद्रमा होगा, या जिसमें प्रवेश किया जिसका शरीर है वो जिम्मेवार होगा? है शरीरदारी होगा। क्राइस्ट की आत्मा ऊपर से आती है और वो जिस इसमें प्रवेश करती है, सूली का जो दुख होता है वो ऊपर वाली आत्मा भोगती है या जीसस भोगता है? क्यों है? शरीरदारी है ना, उसी को भोगना पड़ेगा। माया भी सर्वशक्तिमान है और बाप भी सर्वशक्तिमान है, विशेष अंतर क्या है? विशेष अंतर ये है कि युद्ध लंबे समय तक चलता है। क्या? कितने साल चलता है? 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 100 साल में से 18 साल घटा दो, कितने साल चला? है? हाँ, 82 ईयर्स युद्ध चलता है, इसलिए वो माया सर्वशक्तिवान है। अगर थोड़ा बहुत युद्ध चले तो कहें कि इतनी शक्तिवान नहीं है। लंबे समय तक युद्ध खींचता है इसका मतलब माया कम शक्तिशाली नहीं है। आखिर विजय तो किसकी होती है? है? सर्वशक्तिवान बाप की तब विजय होती है जब बच्चे संपन्न बनते हैं। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, इसलिए माया सर्वशक्तिवान है, क्योंकि बाप को शरीर चाहिए। जिस तन में प्रवेश करता है वो बाप समान बनना चाहिए। जो दुनिया में शिव शंकर एक प्रख्यात हो जावे, जो बाप है सो बच्चा है, जो बच्चा है सो बाप है, तब माया की ताकत खलास। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय माया का जन्म सिद्ध अधिकार है ये नहीं बोला। है? बैल? हाँ हाँ, शिव मंदिर में जो बैल दिखाते हैं, शिव के मंदिर में लिंग दिखाते हैं, शिव के मंदिर में जलाधारी दिखाते हैं, शिव के मंदिर में चारों ओर बैठे हुए देवी देवताएं दिखाते हैं। दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं? तो पहली बात एक तरफ से पकड़ना शुरू करो। शिव के मंदिर में पहला तो है शिवलिंग। शिवलिंग कहा जाता है, शिव नहीं कहा जाता। मंदिर तो शिव का है,
लेकिन वहाँ जो पूजा होती है वो शिवलिंग की होती है या शिव की होती है? लिंग की होती है। इससे साबित होता है कि शिवलिंग कोई और आत्मा है जिसकी यादगार शिवलिंग है। जैसे सोमनाथ का मंदिर था, उसमें जो लिंगाकार लाल पत्थर था वो शिवलिंग था और उसमें बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार है? बिंदु की यादगार। मेरी आत्मा का ही नाम बिंदु है, शिव है। बिंदु को बूरी कहा जाता है, वो सदा ही शिव है, वो नाम कभी बदलता नहीं। हाँ, जब वो प्रवेश करता है तो नाम बदल जाता है। तो वो स्टार, वो निराकार ज्योति बिंदु जब ऐसे स्वरूप में प्रवेश करता है जिसको अपने नाक आंख कान नौ इंद्रियों की याद नहीं रहती, विस्मृति हो जाती है, देह की विस्मृति हो जाती है, देह के संबंधियों की विस्मृति हो जाती है, देह के पदार्थों की विस्मृति हो जाती है, तब वो शिवलिंग पूजने लायक बनता है। जिस लिंग को हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई जाते, वो बड़ा रूप है। इसलिए मुरली में बोला कि छोटा रूप याद नहीं आता है। बहुत कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, हमें बिंदी याद आती ही नहीं। तो उनके लिए बोला कि याद नहीं आता है छोटा रूप, तो बड़ा रूप ही याद करो। बड़े रूप को भी याद करेंगे तो बड़े रूप का आखिरी अंजाम क्या होगा? है जो बड़ा रूप है वो सदैव ही साकारी रहेगा कि निराकारी भी बन जाएगा? निराकारी बन जाएगा, नारायण बन जाएगा। तो वो तो सबसे अच्छी याद का तरीका हो गया, सहज याद का तरीका हो गया, बड़ा आसानी से याद आ जाता है। निराकार को याद करने में तकलीफ होती है, इसलिए बिंदु है शिव की याद यादगार। और बिंदु जो इस लिंग में रखा हुआ है वो लिंग है किसकी यादगार? प्रजापिता की यादगार। और जो जलाधारी है वो पार्वती की यादगार है। जो पार्वती बंधन में रहती है या निर्बंधन होकर रहती है, है? अरे ईश्वर के बंधन में बंधी हुई है या निर्बंधन है? ईश्वर के बंधन में है। और बंधन में होने के बावजूद भी निराकारी स्टेज वाली है, नहीं तो बांधेली माताएं चिल्लाती हैं हमको अपवित्र बनाई दिया, हमको ये कर दिया, हमको ऐसे करता है, हमको वैसे करता है, हमको याद नहीं करने देता। अरे मन को कोई बांध सकता है क्या? मन को जब चाहो निराकारी बना दो, बाप की याद में ऊपर उड़ा दो, शरीर को मुर्दा बना दो। तो ये चिल्लाना करना ये पुरुषार्थियों का काम नहीं है। पार्वती पार लगाने वाली है, पुरुष तो साफ दुर्योधन दुशासन है। लकब दे दिया भगवान ने उनको, वो प्योरिटी को वो इम्प्योरिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको कंट्रोल करने के लिए माता को गुरु बनाया हुआ है।
वो शंकर की भी माता हो गई पार्वती गुरु, माता गुरु के बगैर उद्धार नहीं हो सकता। अगर कन्याएं माताएं अपनी पर उतर आए तो उनके मन को कोई भी अपवित्र नहीं बना सकता, मुर्दा बन जाए। मुर्दे के ऊपर कोई कब तक प्यार करेगा झूठा? एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार, बाद में कीचड़ है, कचरा है, आखिर बुद्धि में बैठ ही जाएगा। तो माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी। माताओं को ये लकवा दिया हुआ है कि माताएं स्वर्ग का गेट बन जाती हैं। सुपनखाएं, पूतनाएं कोई कोई होती हैं जो नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती हैं खुशी खुशी से। हमारा पति, हम उसको नाराज कैसे करेंगे? तो जैसे कि नरक का दरवाजा खोल दिया। बाप कहते हैं तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। प्रवृत्ति में रहते रहते, कीचड़ में कमल फूल समान रहते रहते इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय है कामेंद्रिय। कामेंद्रिय की कामना को जीत लिया, माना इच्छा मात्र में विद्या हो गई। तो ये तीन आत्माएं हो गई शिव के मंदिर में मुख्य। एक शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल, एक शिवलिंग प्रजापिता या शंकर कहो, एक पार्वती पार लगाने वाली, और चौथा बैठा है नाली के सामने। क्या? जो बैल दिखाया जाता है वो अर्घा के किस तरफ दिखाया जाता है? हैं? जो अर्घा की नाली होती है ना, उस नाली के सामने बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो अधूरा चंद्रमा प्रवेश है तब तक बुद्धि खराब होती है, और जब उसके ऊपर छलांग लगा करके, हाई जंप लगा करके प्रजापिता की आत्मा बैल पर सवार हो जाएगी, उस समय कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल होने के बाद पवित्र आत्मा ब्रह्मा सो एक सेकंड में विष्णु बन जाएगा। तो जो बैल है वो नीचे दिखाया जाता है। जब परिक्रमा लगाते हैं शिव के मंदिर में तो कहते हैं नाली को क्रॉस नहीं करना। क्या? जब परिक्रमा लगाते हैं तो उल्टा चक्कर लगा के उल्टे ही वापस आ जाओ। ये नाली को क्रॉस किया मन बड़ा भारी दोष आ जाएगा। वो बैल में तो इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए नाली के सामने बैठा हुआ है। भक्तों को शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि शिव के ऊपर जो नैवेद्य चढ़ाया जाए, जो अर्पण किया जाए, उसको फिर भोगना नहीं है, खाना नहीं है, वो विष हो जाता है। कन्या भी अगर अर्पण की गई और फिर उस कन्या के साथ किसी ने शादी कर ली तो वो विष कन्या हो जाएगी, सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा 84 जन्मों का। इसलिए भक्ति मार्ग में जो बातें कही गई है कहाँ की यादगार है? है संगम युग की यादगार है। बाबा
शास्त्रों में ये गायन है कि श्रवण कुमार जैसे पुत्र कोई नहीं हुआ, और ये भी कहते हैं कि मेरा पुत्र श्रवण जैसा ही हो, लेकिन वो दशरथ के हाथों मारे जाते हैं, इसका बेहद में क्या अर्थ होता है? रथ माने क्या है? शरीर। और झाड़ के चित्र में नीचे जड़ों में कितने रथ बैठे हुए हैं? है 50 रथ बैठे, 8 रथ, 4 इधर 4 उधर, 2 बीच में, कितने हुए? 10 रथ। ये 10 रावण के सिर ही 10 रथ हैं। माना राम वाली आत्मा पूर्व जन्म में अपना शरीर छोड़ करके जब ब्राह्मणत्व का दूसरा जन्म लेकर के आती है, उस समय तक वो 10 नारायण बनने वाली आत्मा यज्ञ में आ जाती है। जो राम वाली आत्मा के जीवन को पालना देती है, इसलिए वो 10 रथ हो गए। क्या वो 10 रथ हैं? उन्हें रावण संप्रदाय कह दो, उतरती कला के नारायण बनेंगे या सब 16 कला संपूर्ण बनेंगे? उतरती कला के बनेंगे। तो वो हो गए 10 रथ है। और श्रवण कुमार का अर्थ है, श्रवण माने कान, श्रवण माने कान। महाभारत में कर्ण कौन है? कान का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ये दुनिया विराट पुरुष है ना, तो विराट पुरुष का कान कौन है? धीरे से बोल देते हैं, कैसे? हाँ, शिव बाप जब मुरली सुनाते हैं तो पहले पहले उनकी आत्मा सुनती है, उनकी आत्मा सबसे जास्ती धारण करती है, उनकी आत्मा सबसे जास्ती सुनाती है। तो जो सुनने सुनाने का काम कान का है, वो ही कर्ण है। क्या कर्ण को किसने जन्म दिया? कुंती ने जन्म दिया। माने यज्ञ के आदि में कोई पांडवों की अम्मा थी, जिसने पहले पहले पांडवों से भी पहले कर्ण को जन्म दिया था। बाद में उसकी पालना कोई दूसरी माता ने की। जिस दूसरी माता ने पालना की, वो माता सुनने सुनाने वाली थी या धारण करने कराने वाली थी? है बोल बोल करने वाली थी या धारण करने वाली थी? बोल बोल करने वाली थी। जो बोल बोल करते हैं और प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके नहीं दिखाते, वो दास दासी बनते हैं। तो कर्ण की पालना किसने की? कर्ण को दासी पुत्र कहा जाता है। किसने पालना की? दास दासियों के द्वारा पालना होती है। कर्ण कौरव था या पांडव था? पांडव था। कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी, कौरव ही बन करके रहा। उसका दाह संस्कार भी किसने किया? कौरवों ने किया। कौरवों का जीवन भर पक्षधर रहा। तो ब्रह्मा बाबा भी क्या कर रहे हैं अभी? है उनकी आत्मा अभी क्या पार्ट बजा रही है? किसका पक्ष ले रही है? कौरवों का पक्ष ले रही है। तो वो श्रवण है, कान है, कर्ण है, उसका कुमार कौन है? है
जिसको श्रवण कुमार कहा जाता है वो कुमार कौन है? वो ब्रह्मा सरस्वती तो अंधा अंधी हो गए कि सुधरे थे है? वो तो अंधे और अंधी धृतराष्ट्र और गांधारी नाम दिया गया है, और उनका बच्चा हर राम वाली आत्मा वो बनी श्रवण कुमार, उनको माँ बाप को माने मम्मा वाली या मम्मा बाबा वाली आत्माओं को धारण करती है। जो बताया कि शिव बाप मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं और बाप दादा नंबरवार बच्चों में प्रवेश करते हैं, तो नंबरवार बच्चों में से पहला नंबर बच्चा कौन हुआ है? ब्रह्मा बाबा, वो तो खुद ही दादा है, बाप है शिव राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा जो श्रवण कुमार है वो ब्रह्मा और सरस्वती वाली आत्माओं को कंधे पर धारण करके, कंधे पर जिम्मेवारी उनकी उठा करके सारे भारत में तीर्थों में चक्कर काटती है। वो ही प्रैक्टिकल बात शास्त्रों में श्रवण कुमारी की कथा के रूप में दिखाई दी है। उसको तीर कौन मारता है? ब्रह्मा बाबा को तीर किसने मारा? कोई रावण संप्रदाय था या राम संप्रदाय का था? रावण संप्रदाय का था। और तीर मारने वाले कोई एक नहीं थे, देश के ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर के ढेर हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को बातों के तीर मारे हैं। एक तो बलराम नाम का एक डॉक्टर ऐसा भी हुआ था जिसने रामबाण आश्रम खोल दिया बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, विरोधी बन गया था। उसकी कन्या सुकर्मा जयपुर में इंचार्ज बन करके रही थी, वो जब विरोधी हुआ तो बाबा को थप्पड़ मार करके भाग गया। ऐसे ऐसे दुष्ट वहां भरे पड़े थे। तो दशरथ को, दशरथ का कर्म दशरथ ने किया, श्रवण कुमार का काम श्रवण कुमार ने किया, और उनके माँ बाप का पार्ट सहन करने का था तो उन्होंने बजाया। और बाबा जगदम्बा को तो देखा जा रहा है कि उसने बाप के संग का रंग जास्ती लिया, इसलिए उसको जास्ती याद आती है। और लक्ष्मी ने एक का संग किया इसलिए उसको जास्ती याद आती है। लक्ष्मी ने एक का संग माने तिरसठ जन्मों में एक का संग किया है, है? उसको जास्ती याद आती है। ठीक है, फिर योगनी को क्या है? योगनी को क्या जास्ती याद आती है? योगिनी को जास्ती क्यों याद आती है? याद में नंबर वन चली गई। किस रूप में याद आती है? आप योगिनी को क्या समझे बैठे हैं? माँ के रूप में तो वो तो पार्टधारी के रूप में हुआ। जैसे कोई भाई बहन होते हैं रंगमंच पर जाकर के पति पत्नी का पार्ट बजाते हैं, लेकिन है तो भाई बहन ना। ऐसे ही योगिनी और योगी राज या नटराज वो भाई बहन है या पति पत्नी है? भाई 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 बहन भी नहीं है। रुद्रमाला के मन के आपस में क्या है? भाई भाई है। तो भाई भाई को बैठ के याद करेगा है? करे है? पार्ट बजा रही है। जो पार्ट उनको दिया गया वो बखूबी निभाना अच्छी बात है, खराब बात है? और
बाबा है ये सब वो मम्मी ने बोला है कि जो एक दो महीने तक क्लास ना करें, अभी एक दो महीने तक क्लास ना करें, उनको संदेश नहीं देना है। संदेश नहीं देना? संदेश तो पहले ही ले चुके वो। बाबा आज उनको संदेश नहीं देना है। बाबा आज उनको संदेश नहीं देना है। मर गए ना? हाँ। वो मर गए ना, मरे मरे हुए को संदेश देंगे क्या? जो अपने घर में वो घर में क्लास करते हैं। मर गए, परिवार से ही मर गए, परिवार में जिंदा कौन कहा जाएगा? परिवार में जिंदा है तो परिवार वाले देखेंगे कि नहीं देखेंगे? परिवार के साथ सोना, रहना, खाना, चलना, फिरना, उठना, बैठना होता है कि नहीं होता है? उन्हें परिवार की परवाह ही नहीं, बाप को भी चिट्ठी नहीं लिखते। क्या प्रूफ है कि घर में बैठ करके मुरली पढ़ते हैं? और है कहीं धड़ धड़ की पूजा होती, कहीं सिर की, कहीं हाथ की, कहीं पैर की, ऐसा क्यों? एक शिव बाबा और एक देवी, दो ही ऐसे पूज्य हैं जिनके एक एक करके अंग पूजे जाते हैं। शिव बाबा का क्या पूजा जाता है? लिंग ही पूजा जाता है बस। और जो देवियां हैं उनके अलग अलग अंग पूजे जाते हैं। जरूर उन्होंने उन अंगों को पवित्र बनाया है। दुर्योधन दुशासनों के संग के रंग में रहते हुए भी अपने अंगों को बाप की याद में रह करके पवित्र बनाया, इसलिए वो अंग क्या किए जाते? पूजे जाते। देवताओं के सभी अंग पूजे जाते हैं, कमल नयन, कमल हस्त, कमल पाद, कमल मुख पूजे जाते हैं ना, गायन है ना। और है गिलास में अभी है, दे कैसे दे? बाबा है जो 84 जन्मों को जानने की बात कही है, तो हिस्ट्री तो 63 जन्मों की मिलती है। हाँ, वो हिस्ट्री मनुष्यों ने बनाई है या भगवान ने बताई है? तो वो जानने की जरूरत है? झूठ है तो झूठ ही बात ही मिक्स करेंगे, वो जानने की तो बात ही नहीं बताई। भगवान ने जो प्रोसीजर बताया है उस प्रोसीजर के आधार पर 84 जन्मों को जानना है, हिस्ट्री के आधार पर नहीं जानना है। काय के आधार पर जानना है? भगवान ने जो तरीका बताया है 84 जन्मों की जानकारी करने का, वो तरीका के आधार पर हमें 84 जन्म ज्ञात होने चाहिए। और हिस्ट्री तो एक हिस्टोरियन एक बात लिखता है और दूसरा जो इतिहासकार है वो दूसरी बात लिख देता है, तीसरा तीसरी बात लिख देता है। तो सच्चाई क्या है? वो भी भगवान का ज्ञान ही बतावेगा। मनुष्य आत्माएं निर्णय नहीं कर सकती कि सच्चाई क्या है। और बाबा अंतिम विनाश की से जब पहुंचेगी तो 4.5 लाख आत्मा अनंत में चली जाएगी, उस समय मेल फीमेल के काया चेंज होगी कि नहीं होगी? नहीं चेंज होगी। जिनमें राजाई के संस्कार हैं, रानी पने के संस्कार नहीं है, तो उनके हार्मोन्स चेंज नहीं होंगे? आज की दुनिया में भी हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो उस समय तो पूरा भान आ जाएगा कि मैं इतने जन्मों का राजा बनने वाली आत्मा हूं, तो पुरुष पने के संस्कार नहीं आवेंगे।
जो रानी बनने वाली होंगी उनको रानी बनने के संस्कार आ देंगे। ब्रह्मा बाबा को एक तरफ तो धानों का राजा बताया है, और दूसरी तरफ रावण के ऊपर गधे का सिर बताया है। तो क्या हुआ, गधे में धारणा नहीं होती है? गधे में कितनी धारणा होती है, सुबह से लेकर के शाम तक सच्चाई से काम करता है, बहुत मेहनत करता है। जैसे मालिक चलाता है धोबी, वैसे ही चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। और रात को जब थक के हार के लौटेगा तो भैंस की बची हुई घास फूस उसको डाल दो, प्यार से खा जाएगा और आराम से सो जाएगा। कमी एक ही है कि उसको बार बार ज्ञान स्नान कराया जाता है और बार बार मिट्टी में, देह अभिमान की मिट्टी में लोट जाता है। ये गड़बड़ है, ज्ञान का असर नहीं होता है। है एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। ये मुरली में बोला ना, तो वो एक कौन? कृष्ण भाई। जैसे एडवांस के बच्चे तो बीज रूप है, वो तो बीज है। बीज को तो जैसी धरणी मिलेगी वैसा पैदाइश होगी क्या? अरे वही आलू नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है और वही आलू दक्षिण भारत में पैदा किया जाता है, खाया जाता है। वहां के लोग आलू खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, कहते हमारी तो नस नस में दर्द कर देता है, सारे शरीर में दर्द होता है। क्यों, इतना अंतर क्यों हो गया? एक ही प्रजापिता वाली बीज रूप आत्मा और दूसरे दूसरे धर्मों में जाकर के राजा ही स्थापन करती है। उन उन धर्मों का सच मुखिया तैयार हो जाती है बन करके। जैसी धरणी वैसा स्वरूप बन जाता है। तो धारणा करने वाली धरणियों में मुख्य आत्मा कौन है? ब्रह्मा। इसलिए बीज का सुधार करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, ज्यादा मेहनत धरणी का सुधार भुरभुरी बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर पथरीली है तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। फिर उस पथरीली धरणी जब भुरभुरी बन जाती है तो पैदाइश भी बहुत होती है। हाँ? बाबा जबकि रुद्र माला के जो बीज रूप आत्मा है वो तो अंत तक पावन नहीं होगी। हाँ? अंत में जाकर पावन करेगी। तो क्या हुआ, तो पहले ही पावन बनना चाहते हैं? हैं? तो मतलब बहुत लास्ट में जाके बनते तो क्या संसार? लास्ट में जाके बनते क्यों? ऐसे मन के नहीं है जो अभी डिक्लेयर हो गए, पवित्रता का पुरुषार्थ किए बगैर डिक्लेयर हो गए। अरे बाबा वो तो एनएस में होंगे ना? वो तो एनएस में होंगे, यहाँ थोड़े ही होंगे। हम एनएस में थोड़े जाने वाले हैं, हमें काशीवासी में जाने से कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने घर में रह करके बाल बच्चों के साथ रह करके ही सारा काम करेंगे। माउंट आबू जाने की हमें कोई दरकार नहीं, वो तो माउंट आबू में बनेंगे ना, ये कोई बात थोड़ी हुई। संग का रंग जहां अच्छा मिलता है वहां पहुंचना पड़े। आखिरी 4.5 लाख रुद्रमाला के मणके जब तक परमधाम में इकट्ठे नहीं पहुंचेंगे तब तक सारी दुनिया का विनाश
नहीं होगा। 4.5 लाख निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेंगे तब सारी दुनिया का विनाश भी होगा। तो कोई कहे क्या, वो तो साकारी परमधाम माउंट आबू में बनेगा ना, हमारा नंबर उसमें थोड़े ही है, तो कैसे चलेगा। हाँ बाबा, है महाभारत में एक दृष्टांत है, है एक महाभारत में का दृष्टांत है, जब राजा शांतनु गंगा से शादी करने की प्रस्ताव रखते हैं तो गंगा जी उनसे शर्त ये रखते हैं कि आप आजीवन कभी कोई प्रश्न नहीं पूछोगे आप। तो उसके बाद जो है गंगा 7 पुत्रों को पैदा करने के बाद वो गंगा में प्रवाहित कर देती है और लास्ट पुत्र देवव्रत जो बचता है उसको लेके चली जाती है। तो लास्ट पुत्र जो देवव्रत 8वां पुत्र होता है, है? तो उस टाइम जो शांतनु होते हैं उससे प्रश्न कर लेते हैं गंगा से, है? आप 7 पुत्रों को क्यों प्रवाहित कर दी गंगा में, है? तो फिर जो है गंगा जो है देवव्रत को लेके चली जाती है, है? जब 18 साल के देवव्रत हो जाते हैं तो फिर वापस जो है शांतनु को लाके वापस कर देती है, है? इसका बेहद में क्या अर्थ होगा 7 पुत्रों का और लास्ट पुत्र का। गंगा सन्यास धर्म की है या गृहस्थ धर्म की मुखिया है, और उसका बच्चा भी सन्यास धर्म का पक्का है या गृहस्थ धर्म का पक्का है? सन्यास धर्म का पक्का है। और सन्यासी बाद में निकलेंगे या पहले निकलेंगे? तो वो 18 साल के होंगे क्या? जब 18 साल के होंगे तो वो प्रत्यक्ष होंगे, गंगा भी प्रत्यक्ष होगी। और महाभारत में तो ये मालूम था है कि ये अधर्म कर रहा है, दुर्योधन फिर भी उसी का साथ क्यों दिया है? दुर्योधन अधर्म कर रहा, पाप कर्म कर रहा है, फिर भी उसी का साथ क्यों दिया? आप भी ऐसा ही अन्न खाओ तो जिसका खाओगे उसका बजाओगे नहीं, जिसका खाना खाओगे जीवन भर और उसकी बजंतड़ी नहीं कहोगे करोगे तो लोग कहेंगे एहसान फरामोश है। कर्ण भी इसी बात से दब गया, सारी दुनिया को इस बात से दबना पड़ता है, जिसका खाएंगे उसका बजाना पड़ेगा। है कुमारका दादी पहले पहचानेगी कि कुमारका दादी जिसकी बच्ची थी वो पहले पहचानेगा? आपको माया बेटी के ऊपर बड़ा रहम आ रहा है, आपके ऊपर बहुत रहम किया गया है। पहले ब्रह्मा बाबा की आत्मा वो पहचानेगी या पहले ब्रह्मा की जो बेटी है कुमारका वो पहचानेगी? ब्रह्मा बाबा पहचानेंगे, जब वो पहचानेगी तो बेटी भी पहचानेगी। अलिफ और बे में ही सारी पढ़ाई आ जाती है, नुक्ते की बात ही नहीं है। नुक्ते की बात ही नहीं, नुक्ते की बात ही नहीं, बात कैसे नहीं, बिना नुक्ते के दुनिया को जानकारी ही नहीं हो सकती। सारी जानकारी होती किससे है? नुक्ते से ही जानकारी होती। अलिफ बे तो हिस्ट्री की चीज हो गई, और हिस्ट्री बताने वाला कौन है? मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अलिफ हो, बे हो, टे हो, टे हो, कोई भी हो, वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, वो सब भूल जाते हैं।